Let's do question number 8th of exercise 7D, that is triangles. Question number 8th is, in the given figure, O is a point inside a triangle PQR. O एक point है PQR के अंदर. Such that, इस तरीके से है कि angle POR हमारा 90 degree है. POR हमारा 90 degree है. OP equals to 6 cm. OP हमारी 6 cm दे रखी है. और OR 8 cm. If PQ is 24 cm, अगर PQ 24 cm है और QR 26 cm है, then prove that PQR is a right angle. तो हमें ये prove करना है कि PQR right angle है. तो कैसे prove करेंगे, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम अपनी सारी sides लिख लेते हैं, जो जो given है. हमें पता है angle POR 90 degree है, पहली बात. दूसरी बात, OP हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, OR हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और कह रहा है PQ हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और QR हमें 26 सेंटीमीटर दे रखी है. अब हमें ट्रायंगल PQR, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है. तो उसको राइट एंगल प्रूव करने के लिए, ट्रायंगल PQR को राइट एंगल प्रूफ करने के लिए, हमें पता है कि हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सैटिस्फाइड होनी चाहिए. तो पाइथागोरस थ्योरम कब सैटिस्फाइड होगी, जब हमारा ट्रायंगल PQR में जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी. हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. वो हमारी पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई करेगा. लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा PQ, QR और PR में कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है, हमें इसका मतलब PR निकालनी पड़ेगी, तभी हम बता सकते हैं कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज के इक्वल. कौन सी अदर टू साइड्स को हमें हाइपोटेन्यूज के इक्वल प्रूव करना है, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं. तो अब हम PR कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन सा POR की, तो POR से मैं PR निकाल सकती हूं. तो मैं यहीं से इन ट्राइंगल POR एज एंगल POR इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो यूजिंग किस लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इस ट्राइंगल में, जिससे कि हमें PR पता चल जाए. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने कहा, अब देखिए यहां पे PR क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है. देखिए यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये बेस हुआ ये परपेंडिकुलर हुआ, या ये बेस हुआ ये परपेंडिकुलर हुआ. तो हम PR स्क्वायर को PR को हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं इस ट्राइंगल का. POR के लिए हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं. तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर. तो OP कितना था, 6 का होल स्क्वायर, और OR क्या था, 8 का होल स्क्वायर. देखिए हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. जो हम अपनी पास्ट क्लासेस में भी कर चुके हैं, वही सेम किया है. अब 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64. तो PR स्क्वायर कितना आ गया, दैट इज 100, और PR आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर आ गई. अब आप देखेंगे ये वाली साइड PR हमारी आ गई है 10 सेंटीमीटर. तो अब इसमें से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 26, तो ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज. इस साइड के स्क्वायर के इक्वल हमारे इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम आना चाहिए, तभी हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होगी, और तभी हमें पता चलेगा ये वाली जो ट्राइंगल है PQR वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है. तो अब हमें पता चल गया, नाउ इन ट्राइंगल PQR हमारा, देखिए PQ दे रखा है 24 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर,
और क्यू आर दे रखा है हमें 26 सेंटीमीटर, और हमारा आर पी आर आया, सॉरी पी आर आया 10 सेंटीमीटर, राइट। अब नाउ फॉर पाइथागोरस, हम कब यूज करते थे पाइथागोरस थ्योरम, जब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता था। लेकिन अब हमें इसमें क्या प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखनी पड़ेगी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है हमारा, जो इसका स्क्वायर है, वो इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल आता है कि नहीं आता है, राइट। तो एज ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट प्रूव्ड एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सो इफ वी स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, इफ वी स्क्वायर द हाइपोटेन्यूज सो टू बी राइट एंगल्ड, so to be right angle triangle, it should be equal to the square of sum of other two sides, राइट। नाउ अब हमारी लॉन्गेस्ट साइड क्यू आर थी, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर आना चाहिए। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली जो कि है हमारी क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर कितना था 26 था, उसका स्क्वायर किया, देखिए क्यू आर 26 था उसका स्क्वायर किया, तो ये कितना आ गया 26 into 26, 6 6 are 36, 6 2 are 12, 13 14 15, 2 6 are 12, 2 2 are 4 and 5, तो आ गया 676, तो ये आ गया 676 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, राइट। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड देखेंगे तो वो क्या है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा पी क्यू है हमारा 24 का स्क्वायर हो गया और पी आर है हमारा 10 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये कितना आ गया 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये प्रूव हो गया कि पी क्यू आर ट्राइंगल जो है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। आंसर।